दोस्तों, आज आपके सामने हम लेकर आए हैं एक इंडिया का ऐसा मुद्दा जो भ्रष्टाचारी के साथ संबंधित है। हम चाहते हैं कि इंडिया में कोई करप्शन नहीं पाई जा रही, क्या किया जाए कि हम थोड़ा सा करप्शन को बढ़ा। इसके लिए कुछ हमने तरीके और कुछ ट्रीटमेंट चुने हैं कि कैसे कैसे किया जाए। जैसे कि हमने कुछ स्टेप्स चुने हैं कि ये जो भ्रष्टाचार है इंडिया में मस्ट है, होना चाहिए, तो होता नहीं है, बहुत ही साफ सिस्टम चल रहा है। हमने देखा है कि पहला मुद्दा ये है कि ये हम लोगों को, बच्चों को एजुकेशन दे देते हैं, वो बड़े होकर करप्शन नहीं करते। इसलिए जो ये पहला टूल हमने चुना है कि ये जो एजुकेशन बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, इसके साथ करप्शन नहीं करनी आती। एक हमारा सूबा है केरला, उसमें इतनी एजुकेशन दे दी है लोगों को कि वो करप्ट हो ही नहीं सकते। उनको पता ही नहीं है कि भ्रष्टाचारी होती क्या है, क्या करेंगे, क्या भविष्य बनेगा हमारे देश का। ये बहुत ही सोचने वाली बात है। इसके लिए हमने चुनाव के कुछ ना कुछ होना चाहिए, करना चाहिए, तो नहीं तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। बहुत पीछे रहने के बाद क्या करेंगे कि ये जो लोग हैं, ये जो सिस्टम है हमारा, कैसे चलेगा, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जो चुना है कि दूसरे नंबर पे हमारे असेंबलीज में और हमारे पार्लियामेंट में जो ये जो लोग आते हैं, आ रहे हैं, उनमें कोई भी किसी तरह के क्रिमिनल नहीं आते। हमें ऐसे मेंबर्स लेकर आना है जिसमें कोई उसका क्राइम का बैकग्राउंड हो। ऐसा नहीं लेना है कोई संत महात्मा, कोई ऐसा साफ दिल ऑनेस्ट पीपल हमें नहीं चाहिए, लोग हमें नहीं चाहिए। वो क्या करेंगे, करप्शन को इंक्रीज कैसे करेंगे, उसको बढ़ावा कैसे देंगे। इसलिए हमने ये भी सोचा है कि ये जो हमारे सिस्टम में पाए जाते हैं शरीफ लोग, उनको हटा दिया जाए, जो दो चार भी मिल जाते हैं हमारे पार्लियामेंट असेंबली में। दूसरा है कि आगे आगे जाकर जो हमारा ट्रीटमेंट है, जो बढ़ता है, बढ़ावा होता है इसमें सिस्टम में, वो आपके जो जितने भी लोग हैं उनके गवर्नमेंट के साथ रابطہ रखें, इतना रابطہ रखें कि बस काम की बात करो, लेने देने का काम करो, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। कोई भी सिस्टम हमारा जो जो कहीं ट्रांसपेरेंसी दिखती है उसको बंद कर देना चाहिए। धीरे धीरे देख लेना, धीरे धीरे हमारे देश में इतनी करप्शन का बढ़ावा हो सकता है कि हम आराम से जी सकते हैं, आराम से रह सकते हैं। ऐसे तो कोई बात ही नहीं बनती, क्या करेंगे। दूसरी बात, आगे हम ये भी सोचते हैं कि ये जो करप्शन सेंटर हैं कहाँ कहाँ की जाए। कुछ मैंने देखा है कि कुछ प्रोफेशंस हैं जिसमें करप्शन बिल्कुल नहीं पाई जाती, उसको मैंने चुना है। जैसे कि ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, वो बिल्कुल नहीं जानते कि ये करप्शन क्या होती है। उनको सिखाना होगा कि ये करप्शन जो है, थोड़ा बहुत तो करा करो, उसके साथ उनका दिल बहलाता रहेगा। दूसरी बात ये है कि ये हमारा जो सिस्टम है ना मेडिकल का, इसमें बिल्कुल जीरो है करप्शन, कोई करप्ट नहीं है, कोई भ्रष्टाचारी नहीं पाया जा रही। रेवेन्यू का जो डिपार्टमेंट है, महकमा, उसमें नहीं है। पुलिस तो हमारी इतनी ही शरीफ है, ऑनेस्ट है, पुलिस तो बिल्कुल भी नहीं मांगती कुछ भी। वो तो काम करने के लिए रात दिन ढूंढते रहते थे, क्यों से ये हमारा जो सिस्टम है इसको कैसे ठीक रखना है, करना है। ये हमारा डेली की ये जो चिंता है इसको बढ़ाने की जरूरत है। तो हमें चाहिए कि
ये जो सिस्टम है इनको डेली इंक्रीज करें, और जो मैंने बातें बताई हैं हर एक सिस्टम में, हर एक दफ्तर में, एवरी हर जगह पे ये लागू हो जानी चाहिए, ताकि हम मिलकर इस सिस्टम को बढ़ावा दें और आराम से रह सकते हैं। सिस्टम चलेगा, बड़ा तेज चलेगा, असेंबली और हमारी जो पार्लियामेंट है बहुत ही अच्छे अच्छे क्रिमिनल जब आ जाएंगे, बिल्कुल नहीं मिलता आजकल हमने देखा है। तो इसके लिए हमें सभी मिलकर जतन करने हैं। मेहरबानी, शुक्रिया।